भी कर सकते हैं ना अपने घर में। मेरा एक ही कहना है, अमेरिकन साबुन नहीं बिके, अमेरिकन क्रीम ना बिके, अमेरिकन टूथपेस्ट ना बिके, और अंत में अमेरिका की दवा मत खाइए कोई भी। बहुत अमेरिकन कंपनियां यहां के दवाएं बेच रही हैं, जैसे विक्स, ये अमेरिकन कंपनी की दवा है, विक्स, बेनाड्रिल, और अमेरिकन कंपनी की दवाएं हैं, एली लिली एक बड़ी अमेरिकन कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन एक बड़ी अमेरिकन कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सब दवाएं बेचने आए हैं धंधा करने। इनकी दवाओं पर कभी भरोसा मत करिए, क्योंकि जो दवाएं वो यहां बेच रहे हैं वो दवाएं अमेरिका में बंद हैं 20 साल से, और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उनको पॉइजन डिक्लेयर किया, वो दवाएं यहां पर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। आपको अमेरिका की सबसे खतरनाक जो दवा दी जा रही है आजकल, वो हर्ट पेशेंट को दी जा रही है। आप में से किसी को भी भगवान न करे हर्ट अटैक आए, लेकिन आ गया तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। आपको मालूम है कि एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन आपका होता है, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में एक स्प्रिंग डाली जाती है आपके शरीर में, उसको स्टंट कहते हैं, ये अमेरिका से आता है। और ये स्टंट जो अमेरिका से आता है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $3 के आसपास है, और यहां लाकर वो 2.5 लाख रुपए में बेचते हैं, ऐसे लूटते हैं। और एक बार हार्ट अटैक में एक स्टंट डालेंगे, दूसरे में दूसरा। डॉक्टर को कमीशन है, इसलिए वो बार बार कहता है एंजियोप्लास्टी कराओ, एंजियोप्लास्टी कराओ, आप मत कराइए। फिर आप बोलेंगे क्या करें, मैं आपको बहुत दावे से कह रहा हूं ये बात, एक डॉक्टर की हैसियत से, क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूं, कभी भी स्टंट का ऑपरेशन आज तक किसी को सफल हुआ नहीं, सक्सेस हुआ नहीं। कारण क्या है, आपकी जिस वाहिका में स्टंट डाला जाता है नली में, वो स्टंट इतना बड़ा है, नली में यहां उन्होंने फिक्स कर दिया तो स्टंट के आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज हो जाए और सेकंड हार्ट अटैक फिर आएगा, तो फिर वो कहेंगे दूसरा स्टंट लगवा लो, और इसी चक्कर में आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लाखों रुपए लूट के ले जाए। तो आप बोलेंगे जी क्या करें, मेरा आपको विनम्र विनती है कि आपको कभी भी एंजियोप्लास्टी का खतरा हो तो आप ऑपरेशन तो मत कराओ। क्या करें फिर, जिंदगी बचानी है तो आप एक सरल उपाय करो, वो मेरा नहीं है, भारत देश के महान व्यक्ति का उपाय है। वो व्यक्ति का नाम था बाघभट्ट। उन्होंने 3500 साल पर लिखा एक पुस्तक में, जिसका नाम है अष्टांग हृदय, और एक पुस्तक है अष्टांग संग्रह। 7000 सूत्र उन्होंने लिखे हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए। उसका एक सूत्र है कि कभी भी हृदय घात अगर है, हृदय को घात हो रहा है, तो जान लीजिए कि रक्त में एसिडिटी बढ़ी हुई है। एसिडिटी समझते हैं, अम्लता। एक अम्लता होती है पेट की और एक होती है रक्त की। पेट की अम्लता बढ़े तो आपको आग जलेगी पेट में, एसिडिटी होगी। आप कहेंगे आग जल रही है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, मुंह से पानी आ रहा है, फिर और ज्यादा हो तो हाइपर एसिडिटी होगी। यही पेट की अम्लता जब रक्त में चली जाती है तो रक्त अम्लता होती है, और रक्त अम्लता में आए तभी हार्ट अटैक होता है, इसके बिना हार्ट अटैक होता नहीं। ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है जिसको कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं, क्योंकि इसका इलाज बहुत सरल है। इलाज क्या है, बारहवीं जी कहते हैं कि रक्त में अम्लता अगर बढ़ गई है तो ऐसी चीजों का उपयोग करो जो क्षारीय है। आप जानते हैं दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक अम्लीय और एक क्षारीय, एल्केलाइन और एसिडिक। अभी अम्लीय और क्षारीय को मिलाएं तो क्या होता है, अम्ल और क्षार को मिलाओ तो न्यूट्रल होता है कि नहीं। तो बागपट्टी जी कहते हैं कि रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय चीज खाओ तो रक्त की अम्लता न्यूट्रल हो जाएगी, माने हार्ट अटैक की जिंदगी में संभावना खत्म हो जाएगी। ये है कहानी। तो आप पूछोगे कि कौन सी क्षारीय चीज है जो हम खाएं, आपके रसोई घर में सवेरे से शाम तक इतनी चीजें हैं जो क्षारीय ही है, अगर उन्हीं को खाना शुरू करो तो हार्ट अटैक ना आए, और कभी आ जाए तो दोबारा आने का चांस ना। क्या क्षारीय चीज है, सबसे ज्यादा क्षारीय चीज आपके घर में है दूधी। दूधी है ना, सब्जी के रूप में आप खाते हैं, इससे ज्यादा क्षारीय कोई चीज ही नहीं। तो दूधी का रस पियो रोज निकाल निकाल, या कच्ची दूधी खाओ। स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि नहीं, दूधी रस पियो, दूधी का 3.25 लाख लोगों को ठीक कर दिया उन्होंने दूधी का रस पिला पिला, और उनमें हजारों डॉक्टर हैं जिनका खुद हार्ट अटैक होने वाला था।
वो दूधी का रस पी पी के आते हैं, क्योंकि मैं हरिद्वार जाता हूँ रामदेव जी के यहाँ, तो हजारों डॉक्टर इस देश के वहां जाते हैं, चुपचाप दूधी का रस पीते हैं, तीन तीन महीने चार चार महीने आके फिर क्लिनिक पर बैठ जाते हैं। वो बताते नहीं हम कहाँ गए थे, वो कहते हम न्यूयॉर्क गए थे, जर्मनी गए थे ऑपरेशन करने, वो रामदेव जी के वहां गए थे। वो तीन महीने दूधी का रस पी के आए हैं, हर घटे ठीक हो गया, आके फिर ऑपरेशन पे लग गए हैं, और वो इतने हराम खोरे कि आपको नहीं बताते कि आप भी दूधी का रस पी। आप तो दूधी का रस पी हो, इसको जो रामदेव जी कहते हैं ना, वो भी भागवत जी के ही आधार पर कहते हैं। भागवत जी कहते हैं कि रक्त की अम्लता कम करने की ताकत सबसे ज्यादा दूधी में है, तो दूधी का रस पियो। कितना पियो, रोज 200 मिलीग्राम पी लो। कब पीना, सवेरे पी लो, नाश्ते में, नाश्ते में नहीं तो भोजन के बाद पी लो, आधे घंटे के बाद पी लो। और दूधे के रस की और ज्यादा क्षारपन बढ़ाना हो तो दूसरी क्षारीय चीज हमारे घर में है, वो है तुलसी। तुलसी बहुत क्षारपन है, तो तुलसी का रस मिला दो। और एक तीसरी चीज है, वो क्षारीय है, उसका नाम है पुदीना। पुदीने का रस उसमें मिला दो। और एक क्षारीय चीज है अपने घर में, काला नमक। और एक है सेंधा नमक। ये काला और सेंधा नमक क्षारीय है, लेकिन बाजार से जो आता है ना आयोडीन युक्त, ये अम्लीय है। ये आयोडीन युक्त नमक के चक्कर में मत फंसना, काला नमक खाओ नहीं तो सेंधा नमक। तो सेंधा नमक ले लो, थोड़ा दूधी का रस ले लो, थोड़ा तुलसी का रस ले लो, पुदीने का रस ले लो, कोथिंबीर का रस भी क्षारीय है। ये सब क्षारीय मिला मिला के रोज पियो, तीन महीने में आपका ब्लॉकेज निकल जाएगा, अम्लता कम हो जाएगी, 2.5-3 लाख रुपए फालतू खर्च होने से बच जाएंगे, और जो बच जाए तो गौशाला को दान कर देना, तो गौशाला का भी फायदा है, डॉक्टर को देने से अच्छा गौशाला।